मैं गौरव आजादी बचाओ आंदोलन से आपका स्वागत करता हूँ। कैसे प्रयोग में जिसमें हम जानेंगे कि आरओ का पानी हमारे लिए कितना खतरनाक है और हमें आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए। इसकी प्रयोग के लिए हमें एक बल्ब है बिजली में लगा हुआ, उसके बाद दूध, उसके बाद है सिंपल जो हमारे हैंडपंप का पानी, उसके बाद है आरओ वाटर और ये है गौमूत्र। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बल्ब ये जग रहा है और जब हमें आरओ का पानी पीते हैं तो आरओ के जब मशीन से फिल्टर होकर निकलता तो उसमें कुछ भी मिनरल्स बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो उसका मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अब है हमारा ये जो सिंपल पानी है उसके अंदर मिनरल्स हैं, उसके कारण ही हमारा बल्ब जग रहा है। लेकिन अगर हम इसी को अगर हम आरओ के पानी में डालते हैं तो बिल्कुल भी बल्ब नहीं जगेगा ये, क्योंकि इसके बिल्कुल ही मिनरल बिल्कुल साफ हो चुके हैं, इस पानी के अंदर कुछ भी नहीं है और हमारे पीने के लायक ही नहीं है। अब हम अगर घर में दूध पीते हैं तो उसमें भी ये बल्ब जग जाएगा क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स हैं, आयरन है, कैल्शियम है, इसके अंदर सब कुछ है, लेकिन वही अगर हम इसमें डालेंगे तो ये बिल्कुल ही खाली है। आप बिल्कुल देख रहे हैं। और हम एक और प्रयोग करते हैं, ये आरओ का पानी है, ये मैंने डाल लिया, इसके अंदर बिल्कुल भी कोई करंट पास नहीं हो, अगर मैं अपनी उंगली भी डाल लूं तो भी मुझे करंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं इसके अंदर ही डालूंगा तो मुझे एक झटका लगेगा, जोर का झटका, तो मैं इसमें नहीं डालूंगा। तो मैं एक और प्रयोग करना चाहूंगा, ये देखो करंट नहीं लग रहा मुझे क्योंकि इसके अंदर कोई चीज है ही नहीं, आयरन कैल्शियम कुछ मिनरल्स नहीं है। इसके अंदर मैं अगर गौमूत्र डालता हूँ, ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा मैंने डाला है और ये बल्ब जग गया। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि घर में आप बिल्कुल भी आरओ वाटर यूज मत कीजिए। अगर आपके पास बिल्कुल भी और कोई पानी नहीं है पीने के लिए तो थोड़ा उसके अंदर गौमूत्र डाल के आप पी सकते हैं पानी, तो हमारे लिए कुछ ना कुछ वो लाभदायक हो सकता है।